आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर। मशरक प्रखंड क्षेत्र में एसएच 90 से कवलपुरा बहादुरपुर होते हुए मलमलिया जाने वाली सड़क पिछले 3 महीने से बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है और जिसे कोई देखने वाला भी नहीं है। बाढ़ के पानी से टूटी सड़क पर आज भी बाढ़ का पानी बह रहा है जिसे आने जाने वाले लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। गांव वाले बताते हैं कि पहली बार आई विनाशकारी बाढ़ से सड़क तो डूबी ही, पूरा गाँव डूबा पड़ा रहा, पर कोई भी सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सरकार द्वारा घोषित बाढ़ सहायता राशि भी लोगों के खाते में नहीं पहुंची। तब तक दूसरी बार बाढ़ आ गई जिसे जीवन नरक के समान हो गया। अब जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ तो टूटी सड़कों की मरम्मत तो दूर की बात है, कोई देखने भी नहीं आ रहा है। वहीं अब गाँव में सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। मौके पर कवलपुरा मुखिया प्रत्याशी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि एसएच 90 के चैनपुर गांव से बड़वा घाट होकर कवलपुरा बहादुरपुर होकर सिवान जिले के मदारपुर जाने वाली मुख्य ग्रामीण सड़क जो दर्जनों गांवों को जोड़ती है जिससे बड़ी आबादी का आना जाना रहता है, वही टूटी सड़क के इस पार कवलपुरा के लोगों को बाढ़ के समय से पानी में डूबकर उस पार बहादुरपुर गांव में जन वितरण प्रणाली दुकानदार के यहां से राशन लाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं आज भी टूटी सड़क पर बह रहे पानी को पार कर आ जा रहे हैं। वहीं गांव वाले बताते हैं कि यहां से बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश कर रहा है। वहां नदी पर 100 मीटर लंबा बांध यदि स्लूस गेट लगा दिया जाए तो वहां बाढ़ की त्रासदी पर रोक लग सकती है। वहीं खेतों में फसलों की सिंचाई भी बढ़िया से हो सकती है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया से बार बार शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। मौके पर मुखिया प्रत्याशी दिनेश कुमार सिंह, मुन्ना राय सरपंच प्रतिनिधि, संतोष राय, अरविंद सिंह, अभिमन्यु सिंह, बाबू लाल राम ने जिलाधिकारी सारण से मांग की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मती का कार्य कराकर सड़क को चलने लायक बनाया जाए। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। सड़क जेबा से सीधे हाईवे पर जाके मिलता, सरकार यहाँ सहायता 6000 रुपए भेज दिया, इस सहायता ना देके नदी के बांध रिंग बांध बनवा दी, पूरा लाखों हजारों बीघा जो पास जमीन बचत हो जाए, गांव में भी पानी ना, गांव में पानी ना आए। अभी तक इस सड़क काहे न बनल बाबा? सड़क बनले रख लेकिन नीच सड़क बात टूट गई है। तो मान ली केहू बनाई ना एक रहे? हाँ, केहू ना केहू बनाई। तो मुखिया से ना कहने लगे? तो मुखिया का फंड के ही नहीं थे, विधायक एमपी का फंड के चीज बा। मुखिया तो तत्काल मरम्मत करा सकता है? हाँ, मरम्मत करा सकता है। तो सूचना न दिया ला? अब सूचना तो हेरा जेल में बारे, मुखिया जेल में बारे। जेल में बारे। का नाम बड़ो? हमारा नाम श्री राज नारायण राय। घर? कोलपुरा। क्या मामला? हम दिनेश कुमार सिंह, ग्राम कोलपुरा, नागेश्वर सिंह के पोखरा के पास हम लोग खड़े हैं। यह सड़क चैनपुर ओवर ब्रिज से बड़वा घाट होते हुए मदारपुर तक मलमलिया मोहम्मदपुर पथ को जोड़ती है। विगत 3 महीनों से बाढ़ के कारण दो बार तीन बार बाढ़ है, इसके कारण यह सड़क पूरी तरह से ध्वस्त है। मेरे ही गांव का आधा टोला इधर जो है कोलपुरा का, वह गांव से कट चुका है। हमारे जो टोले के डीलर साहब हैं उनका घर भी उस पार में है। आज 3 महीना से लोगों का राशन नहीं मिला है, सारे लोग जा रहे हैं, कम से कम 3 फीट पानी है उसको हेल कर ला रहे हैं। तो अभी तक बिहार सरकार या कोई नेता हो, मंत्री हो, हम लोगों को देखने नहीं आया। हमारे यहाँ जीआर का राशि भी नहीं मिला, बहुत सारी समस्याएं हैं। तत्काल सड़क मरम्मत होनी चाहिए थी। अभी तो चुनाव है, उधर के लोग यहाँ बेसिक स्कूल पर आते हैं वोट देने, पता नहीं कैसे आएंगे वोट देने।
अगर वोट देने भी जाएंगे तो जान जोखिम पर डालकर जाएंगे। इसी सड़क से इस पार के लोग आते हैं? जी, इस पार से ही आते हैं, वैसे किस स्कूल तक जाते हैं। तीन नंबर का भी प्रशासन अभी आया कि नहीं अभी यहाँ तक? अभी तक तो प्रशासन वगैरह कोई नहीं आया है, कोई कुछ पूछने नहीं आया। क्या नाम है? दिनेश कुमार सिंह, ग्राम कोलपुरा। नेता लोग आवत खाली वोट खाती, वोट के भूखिया बा लोग। सोरक जब से जनता मरत आवे जाने ही नहीं खेलो कुछ नेता लोग का। क्या नाम पड़ी रहो? सुरेंद्र तिवारी। घर? मठिया। सड़क कहाँ बा? सड़क है बहादुरपुर के कलपुरा। केहू नेता ध्यान नहीं दे? केहू नेता नहीं ध्यान दे सर, इनका डीलर के लगे आवे में इतना कष्ट बा कि खोजा देकर तब दहाड़ में मर गए आदमी। झाट न कि नहीं नेता लोग आके पूछ लो खतन की दहैल लोग मरल लोग। मुखिया से कहे लो? मुखिया से? हाँ, कहले रहनी है कि सड़क टूटल बा। तो मुखिया हमारे जो हो जाए नहीं तो ऊपर जेल में तो बनवा। वो मुखिया ही करी है।